फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से एक्टिव एकेडमी में मैं मिसेज रितु दिनेश आपकी केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आप हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का था, और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बट ध्यान रखना, जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू हीट पढ़ रहे हैं, और यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीट। किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम? हीट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यानी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आप उसे हीट दे रहे हो या आप उसे हीट बाहर निकाल रहे हो। तो चलिए, जो पहली जो है हीट के अकॉर्डिंग, दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है वो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सो मींस होता है बाहर, और थर्म मींस होता है हीट। तो वो केमिकल रिएक्शन की जब वो होती है तो उससे हीट बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हीट ही नहीं, आप उसे एक एनर्जी कह सकते हो, क्योंकि एनर्जी की फॉर्म कैसी भी हो सकती है, हीट हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन थ्रू विच हीट इज इवॉल्व आउट। कि वो केमिकल रिएक्शन जिससे हीट बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक कॉमन एग्जाम्पल जो आप डेली लाइफ में हमेशा देखते हो, भाई आप सभी पता, आप सभी खाना खाते हो, और खाने से आपको क्या मिलती है? जब आप खाना खाते हो तो खाने से आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिल रही है। मीन जब आपने खाना खाया तो आपको एनर्जी मिली उस खाने से। तो होता क्या है कि आपका जो फूड है, आपका ग्लूकोज है भी C6H12O6, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, एंड ग्लूकोज इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जब भी C6H12O6 ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, देन इट ब्रेक्स इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड इट गिव्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और ये हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी। तो देखो, ये केमिकल रिएक्शन ही तो है कि ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर आपको क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। कि जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो उससे एनर्जी बाहर निकल रही है। और आपको अभी कहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है जिससे एनर्जी बाहर निकलती है तो वो कौन सा हो जाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता आपका कि रेस्पिरेशन है वो कौन सी प्रोसेस है। तो भाई, रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस है? रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और यही जो आपका फूड है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपको एनर्जी दे रहा है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये आपकी कौन सी प्रोसेस है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन होना, कि ये आपने फूड खाया, ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया और आपको क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। तब से ध्यान रखना, जब एग्जाम में पूछा भी जाता है रेस्पिरेशन इज ए, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, रेस्पिरेशन इज ए। और अब तो भाई स्कूल हो, चाहे आपका CBSE हो, कोई बोर्ड हो, आजकल तो सारे आपके जो पेपर अब जो आ रहे हैं COVID-19 के कारण, वो आपके MCQ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप MCQ पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन इज रेस्पिरेशन इज ए, ऑप्शन ए इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऑप्शन बी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑप्शन सी इज बोथ ऑफ देम, एंड ऑप्शन डी इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब आपको भी पता है कि जब रेस्पिरेशन होगा तो उससे क्या निकलेगी? भाई एनर्जी बाहर निकल रही है, और जब एनर्जी बाहर निकल रही है तो वो प्रोसेस कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन कैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब देखिए, जो नेक्स्ट आपका है वो इसी का ही एक और एग्जांपल है जो एक्सोथर्मिक का बताता है। आपको पिछली क्लास में बताया भी था
कि जब भी आपके पास आपने क्विक लाइम के अंदर CaO में जब भी आप क्या मिक्स करते हो, वाटर मिक्स करते हो, दैट इट कन्वर्ट्स इनटू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इससे भी भाई हाई अमाउंट में हीट बाहर निकलती है। तो देखिए CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका दूसरा जो नाम है वो है क्विक लाइम। क्या नाम है? क्विक लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्लेट लाइम, या हिंदी में कहें तो बुझा हुआ चूना। भई ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाता है यहां से कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्लेट लाइम, या इसे हम दूसरा क्या नाम देते हैं, लाइम वॉटर, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। तो ध्यान रखना ये जो प्रोसेस है ये भी आपकी कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कि जब भी ये रिएक्शन भी होती है तो इससे लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है। तो सेकंड, आपको एक्सोथर्मिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या हो जाएंगी भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व आउट, कि वो रासायनिक अभिक्रियाएं कि जब वो होती है तो उससे हाई अमाउंट में हीट बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है, तो उसे हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। सेकंड जो है आपकी वो है एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एंडो मींस होता है अंदर और वही है थर्म मींस होता है हीट, यानी जिन्हें कंप्लीट होने के लिए आपको उन्हें हीट देनी पड़ेगी, आपको उन्हें गर्म करना ही पड़ेगा, तो वो प्रोसेस कौन सी है आपकी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल आपको पानी गर्म करना है, तो भाई गर्म करना है तो आपको क्या करना है, पानी को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको बताओ उसे हीट देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। या अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक कैल्शियम कार्बोनेट है, आपको उसे ब्रेक करना है, किसी चीज में तोड़ना है, तो आपको तोड़ना है तो आपको उसे क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो किसमें टूटेगा, CaO और CO2 में। तो ये जो ट्राइंगल है ना, इसका मतलब होता है केमिस्ट्री में हीट। अगर आपका ट्राइंगल कोई किसी भी केमिकल इक्वेशन के ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है एरो के ऊपर, तो इसका मतलब कि आप उसे हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो ये किसमें ब्रेक हो जाता है, CaO और CO2 में, तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। या आपने क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस सुनी होगी, क्या फोटोसिंथेसिस बिना लाइट के कंप्लीट होती है, बिना सनलाइट के? यानी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट तभी होगी जब उसको सनलाइट मिलेगी, तो उसको भी हीट चाहिए, यानी वो हीट के बिना कंप्लीट नहीं होगी, तो वो प्रोसेस भी आपकी कौन सी हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट के अकॉर्डिंग आपकी केमिकल रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक एक्सोथर्मिक और दूसरी कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसमें से हीट क्या वो बाहर निकले उसे आप क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट अंदर आपको देनी पड़े वो कौन सी हो जाएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब शुरू करते हैं एक और रिएक्शन आज के। हीट के अलावा भी केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें आपकी एक जो टाइप है वो आज कर रहे हैं हम लोग, और जो पहली वो टाइप है वो कौन सी है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन देखो जैसा नाम से है, कॉम्बिनेशन कंबाइन, कि जब दो कोई भी रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। भाई दो रिएक्टेंट आपने दो चीजों को मिलाया और दो चीजों को मिलाने के बाद आपने एक सिंगल चीज बना ली। फॉर एग्जांपल देखो, आप कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट एसिड डालते हैं, उसके अंदर वाटर होता है, उसमें कलर डाला जाता है, उसमें शुगर डाली जाती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स की जाती है, और तब जाके आपको एक सिंपल सी एक कोल्ड ड्रिंक मिलती है ना। तो कोल्ड ड्रिंक एक ही चीज है और आपने कंबाइन कितनी सारी चीजों को किया है। तो वही चीज है कि जब आप बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो उसे आप क्या कहते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस
कंबाइन होके बनाते हैं H2O लिक्विड वाटर। आपको भी पता है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं, भी वाटर बनाते हैं। तो देखो दो चीजें कंबाइन हुई और एक सिंगल चीज मिली, जो आपस में रिएक्शन करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो नई चीज बनती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो जब दो रिएक्टेंट मिलकर आपस में एक नई चीज बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? कंबिनेशन रिएक्शन। भाई दो चीजें कंबाइन हुई और कंबाइन होकर एक नई चीज बना दी, तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी? कंबिनेशन रिएक्शन। जैसे अभी पिछले में क्या था कि CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये किस में ब्रेक हो जाएगा? CaCO3 में। याद रखना भाई CaCO3 मार्बल होता है, जब घरों में मार्बल डालते हो वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, फॉर्मूला पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ भी दो चीजें कंबाइन हुई और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिया, तो ये भी कौन सी टाइप का रिएक्शन है? कंबिनेशन रिएक्शन का टाइप है। तो और ज्यादातर पता है जब भी दो चीजें कंबाइन होती है और कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाती है, वो जो रिएक्शन आती है वो कौन सी में आती है? एक्सोथर्मिक में आती है। क्योंकि जब भी दो चीजें कंबाइन होती है तो भाई उनके बॉन्ड बीच में टूटते हैं, और टूटते हैं तो उससे एनर्जी बाहर निकलती है। तो ये जो रिएक्शन है ये ज्यादातर कौन सी में आती है? एक्सोथर्मिक में आते हैं। किस में आते हैं ये? एक्सोथर्मिक में आते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।